नाइस ऑफ इट। तो आईक्यू का वो लैन था जिसमें किसका चिकन आया था, आईक्यू के लैन पे किसका चिकन आया था ये बताओ। गोल्ड का था जी हाँ बिल्कुल, बट गोल्ड का चिकन आया था। सेकंड भी एक टीम आई थी और उसमें एक प्लेयर था जिसने बहुत ही मतलब कैड़ा खेला, बहुत ही कैड़ा खेला, तभी वो टीम सेकंड आ पाई एक्चुअली। हाइड्रा जी हाँ, और खिलाड़ी का नाम स्टार बॉय जी हाँ। तो स्टार बॉय वॉज बिट पिस्ड, तो आई आस्क्ड हिम कि क्या हुआ, तो ही वाज लाइक यार ये लैन जरूरी लैन है, एंड ये बात सच है, आप सब जानते हो लैन जरूरी लैन था हाइड्रा के लिए भी, गोल्ड के लिए भी, एंड काफी लोगों के लिए। तो उसका पहला मैच अच्छा गया, वो चाहता था कि आगे खेला जाए, मुझे क्या पॉडकास्ट का ट्रेलर देखो बाबा, चलते हैं रुक जा चलते हैं भाई। तो भाई कह रहा हूँ कि मैंने उसे बात बात भी करी थी, तो उसको थोड़ा ही बस बेट पेस्ट की भाई जल्दी लैंड कराओ, क्योंकि उसको खेला था, उसको प्रूफ ना था खुद को। तो मैं बस ये कह रहा हूँ मित्र कि इतने समझदार तो तुम भी और मैं भी हूँ कि एक दिन में कोई डिसीजन नहीं आता कि हाँ आज ये प्लेयर रहेगा और आज ये प्लेयर नहीं रहेगा, सर्व की जगह कौन आएगा। अब ये तो बाबा मुझे सच बताऊं तो एकदम नहीं पता, बट मैं बस ये कह रहा हूँ कि इससे पहले भी हाइड्रा ने कई प्लेयर्स को जाने दिया। अब मैं देखो यार, हाइड्रा की मैनेजमेंट हमसे बहुत ऊपर है, ठीक है हम कहाँ छोटे कास्टर लोग, तुम कहाँ ऑडियंस, बट मैं कह रहा हूँ हाइड्रा ने इससे पहले भी कुछ प्लेयर्स को जाने दिया था, एक एक करके अगर आप नाम गिना पाए मुझे। अगर मैं फर्स्ट जनरेशन से बात करूँ तो जोकर बिश्मा जैसे प्लेयर्स हैं, मतलब बिश्मा को तो जाने दिया बट जोकर गया था, फिर स्किप्स गया, सीक्रेट गया, और भी कितने प्लेयर्स हैं, और भी कितने प्लेयर्स हैं, जैक्सन है, सारंगे, और वो सारे प्लेयर्स ने अपने अपने लेवल पे अच्छा किया, मतलब काफी ही अच्छा किया, बस मैं ये कह रहा हूँ कि काफी ही अच्छा किया। इस पर आ रहा पागल हो गया, डायनामाइट सीक्रेट स्किप सस सब अच्छा कर रहे थे, ठीक है, बट हाइड्रा फिर वहां पे जहां थी वहीं के वहीं स्टक हो गई कि स्टेप ब्रो आई एम स्टक, तो आई डोंट वांट कि वो चीज वापस हो। अब तुम कह रहे हो रॉबिन आ रहा है, देखो रॉबिन का मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि जो हमारे रॉबिन भाई हैं, ये मैं रॉबिन लिख नहीं पाया इससे, माउस पैड मतलब वो जो लैपटॉप का माउस पैड होता है उससे लिख रहा था, तो जो रॉबिन है उनकी बातचीत जो टी एक्स रॉबिन नहीं, रॉबिन उनकी बातचीत जो थी मार्कोस गेमिंग की टीम से, जब वो आ गई थी मेरे ब्लॉग में वो पार्ट था, रॉबिन ने बोला अभी था कि डाल दो कोई इशू नहीं, बट मैंने अपने एडिटर को सामने बोल दिया था कि मत करियो, और नहीं डाला हमने वो पार्ट। हेड रॉबिन क्या पता भाई, अब ये पता तो नहीं है मुझे, हो सकता है कि एक्चुअली हो जाए, बट व्हाट आई नो इज कि स्टावे वाला मैंने बहुत पहले बता दिया था, अगर तुम ब्रॉडकास्ट में हो तो तुम्हें पता होगा, और अगर तुम नहीं हो तो तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए ब्रॉडकास्ट फिर, इसीलिए